नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किचन में इलेक्ट्रिक का कौन कौन सा पॉइंट देना चाहिए और कहां कहां पर आपको यह पॉइंट देना है और इस पॉइंट का क्या वर्क होगा, और यदि आप नहीं देंगे तो आपको कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। बट वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक किचन बना हुआ है। अब चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं कि किचन में आपको कौन कौन सा इलेक्ट्रिक का पॉइंट जरूर से जरूर देना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा पहला पॉइंट है। यदि हम इस पॉइंट के वर्क की बात करें तो इस पॉइंट को फ्रीज लगाने के लिए लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक फ्रीज रख दी जाएगी और फ्रीज को जो इलेक्ट्रिसिटी है इसी पॉइंट के द्वारा दे दी जाएगी। इसलिए आप किचन बनाते समय फ्रीज का एक पॉइंट जरूर से जरूर दीजिए। फ्रीज के बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंडक्शन का पॉइंट है। इंडक्शन यानी कि जो इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है उसका पॉइंट आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है इसी प्लेटफॉर्म पर जहां पर भी आपको अच्छा लगे वहां पर आपको देना है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये किचन का प्लेटफॉर्म है, यहीं पर जो है इलेक्ट्रिक चूल्हा रख दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक चूल्हा को यहीं से इलेक्ट्रिसिटी दे दी जाएगी। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल ऊपर कुछ इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक चूल्हा का एक पॉइंट जरूर से जरूर देना है, यानी कि इंडक्शन का एक पॉइंट आपको जरूर से जरूर देना है। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा माइक्रोवेव का पॉइंट है। यदि हम माइक्रोवेव की बात करें तो किसी भी फूड को गर्म या फिर पकाने के लिए हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं, और आजकल लगभग सभी को गर्म खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि हमारे घर में माइक्रोवेव जरूर से जरूर होना चाहिए। तो किचन बनाते समय किचन प्लेटफॉर्म के थोड़ा ऊपर आप देख सकते हैं कि ये किचन का प्लेटफॉर्म है, और इसी प्लेटफॉर्म के थोड़ा ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से माइक्रोवेव का पॉइंट देना है, क्योंकि किचन प्लेटफॉर्म पर आप माइक्रोवेव रख देंगे और इसी के थोड़ा ऊपर इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई होगी उसका पॉइंट होगा, तो यहां से आप उसको इलेक्ट्रिक दे देंगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ की मेन स्विच है, इसमें एक लाइट का पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइटें लगी हुई है, तो ये लाइट का पॉइंट हो गया, और इसके साथ साथ फैन का पॉइंट। फैन जो है वो किचन में बहुत जरूरी है, क्योंकि खाना बनाने के अलावा भी खाना बनाने की प्रिपरेशन करते समय महिलाओं को गर्मी के समय में बहुत ही ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में किचन में फैन का पॉइंट जरूर से जरूर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैन का पॉइंट दिया गया है, तो फैन बहुत ही जरूरी है किचन में। और इसके साथ साथ एक चार्जिंग का पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी महिलाएं मोबाइल का उपयोग करती हैं, ऐसे में किचन में काम करते करते उनका मोबाइल भी चार्ज होना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो इसका उपयोग आप और भी कई कार्यों में कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि किचन में मिक्सी का भी उपयोग किया जाता है तो क्या उसका भी पॉइंट देना जरूरी है या फिर नहीं। तो मिक्सी का यूज हम डेली नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो एक दो मिनट के लिए करते हैं। तो ऐसे में यदि कोई ऐसी मशीन है जिसका उपयोग हमें केवल 5 से 10 मिनट के लिए करना है तो उसके लिए आपको किसी भी तरह के स्पेशल पॉइंट को देने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपके पास इंडक्शन का पॉइंट है तो इसी में आप मिक्सी का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडक्शन के लिए आपको एक पॉइंट देना ही देना है, क्योंकि इंडक्शन पर खाना बनता है और खाना बनने का जो वर्क है वो 5 मिनट में नहीं होता। ठीक है, उसके लिए कम से कम आधे घंटे, 45 मिनट या फिर 1 घंटे की जरूरत होती है। तो ऐसे में मिक्सी का उपयोग आप इसी पॉइंट से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किचन बनाते समय आपको इलेक्ट्रिक का कौन कौन सा पॉइंट देना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं बहुत ही जल्दी से कि यहाँ पर किचन में इलेक्ट्रिक का कौन कौन सा पॉइंट दिया गया है। तो ये फ्रीज का पॉइंट है, ये इंडक्शन हीटर का पॉइंट है, और ये माइक्रोवेव का पॉइंट है, और इसके साथ साथ यहाँ पर लाइट, फैन, और इसके साथ साथ एक चार्जिंग का पॉइंट है। ठीक है, तो किचन बनाते समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जरूर से जरूर देना चाहिए। यदि आप इस तरीके से 3-4 पॉइंट दे देंगे तो इन फ्यूचर किचन में बहुत सारी मशीनों का उपयोग होता है, तो यदि आप उन मशीनों को लाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए किसी भी इलेक्ट्रीशियन या फिर किसी भी तरीके की तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए,
और अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।